Five and six, six units हैं तो ये हम सारा इस प्लेट में कवर करेंगे आप अगर अगर पे करना चाहते हैं इन like बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो एक बारी मैं आपको ओवरव्यू दे दूं सिलेबस का तो ये जो सारा यहाँ पे आपको टॉपिक्स मिल रहे होंगे सोसाइटी कम्युनिटी एसोसिएशन सोशल सर्टिफिकेशन इंस्टीट्यूशन मैरिज फैमिली सोशल चेंज ये सारा आपका सोशोलॉजी से रिलेटेड है यूनिट टू भी आपका जेंडर जेंडर लॉज वगैरह थोड़ा सा इसमें आपको कंटेम्प्रेरी ट्रेंड भी देखना होगा ठीक है बाकी ये सारी चीज़ें सोशोलॉजी रिलेटेड हैं ह्यूमन राइट्स कॉन्सेप्ट एंड एवोल्यूशन एंड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इसमें भी थोड़ा कंटेम्प्रेरी पार्ट आ जाएगा बाकी ये सारी चीज़ें आपकी सोसाइटी अगेन आपकी सोशलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़नी है ये भी आपका स्टैटिक पोर्शन ही है सारा जो सोशोलॉजी में कवर हो जाएगा बस क्लाइमेट चेंज में कुछ पॉलिसीज थोड़ी बहुत जो आप करंट रिलेटेड मैं आपको वीडियोज में बताऊँगी यूनिट फोर आपका अगेन आपका हेल्थ रिलेटेड पार्ट आता है ठीक है तो ये भी इन अ वे आपके सोसाइटी में ही कवर हो जाएगा एंड सिक्स यूनिट इज योर स्कीम्स जो गवर्नमेंट लेके आती है टाइम टू टाइम फॉर बेनिफिट एंड वेलफेयर ठीक है तो ये सारी वेलफेयर स्कीम्स हैं जिसका बेस्ट सोर्स होता है गवर्नमेंट की वेबसाइट्स वहाँ से कवर करना तो आपको टेंशन नहीं लेनी है आपको वेबसाइट्स पे नहीं जाना है मैं आपको पीपीटीज बना के इन सारी स्कीम्स के पीपीटीज बना के वो वीडियोस अपलोड कर दूंगी ठीक है तो आ, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक सोसाइटी वाला सोसाइटी एंड कम्युनिटी ठीक है तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं डू सब्सक्राइब टू तो दिस चैनल और बताएं कि आपको आ, अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं करंट क्रंच फोर वन वन एट जी मेल डॉट कॉम ठीक है तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आ, पहले मैं इसका एक कलर चेंज कर देती हूँ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो यूनिट वन से पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ सोशलॉजी का व्हाट इज सोशलॉजी बिकॉज आई डू अंडरस्टैंड आप डिफरेंट बैकग्राउंड से होंगे जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं काफी साइंस बैकग्राउंड के भी होंगे सारे ह्यूमैनिटीज के नहीं होंगे विच आई एक्सपेक्ट तो आपके लिए पहले समझना थोड़ा इंट्रोडक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है सोशोलॉजी होता क्या है सोशोलॉजी में बेसिकली आप क्या करते हो आप स्टडी करते हो सोसाइटी को ठीक है आपको अपनी सोसाइटी अपने आसपास क्या चल रहा है बेसिकली दैट इज योर सोसाइटी जिसका आप एक पार्ट हो आप एक मेंबर हो इस सोसाइटी के वो चीजें आपको स्टडी करनी है लेकिन यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड देखने को मिल रहा होगा साइंटिफिक आपको सोसाइटी को साइंटिफिकली स्टडी करना है जब हम साइंटिफिकली किसी को स्टडी करने के लिए बोलते हैं दैट मीन्स कोई एक प्रोसीजर होगा जिसके थ्रू आप सोसाइटी स्टडी करोगे कोई एक फ्रेमवर्क होगा ठीक है तो वो जो साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी है वो आपका सोशलॉजी है तो सोशोलॉजी में आप कर क्या रहे हो सोसाइटी में काफी सारी चीजें होती हैं सोसाइटी के इंस्टीट्यूशन होते हैं फॉर एग्जाम्पल फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है ठीक है रिलीजन एक इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी के कुछ स्ट्रक्चर बना होता है जैसे इस स्ट्रक्चर में कास्ट सिस्टम आता है या आपका क्लास सिस्टम है या बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होंगे इन सब चीजों को आप साइंटिफिकली स्टडी करोगे साइंटिफिकली ऑब्जर्व करोगे जब मैंने साइंटिफिकली कहा दैट मीन्स एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे करोगे कोई कॉज एंड इफेक्ट होगा ठीक अदरवाइज सोसाइटी को स्टडी करना काफी एक वेग कॉन्सेप्ट माना जाएगा फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे वी कम अक्रॉस सच पीपल जो जिनको पता होता है कि सोसाइटी में आसपास क्या चल रहा है आपके नेबरहुड में आसपास क्या चल रहा है कौन आ रहा है कौन जा रहा है किसके घर से कौन निकला किसका बेटा क्या कर रहा है किसकी बेटी क्या कर रही है तो बेसिक सी बातें हैं जो सबको पता होती हैं तो वो कौन होती हैं यूजली हमारी कॉलोनीज की जो आंटीज होती हैं सब कुछ पता होता है तो आप बोल सकते हो उनको इन अ वे वो भी तो सोसाइटी हैं, तो क्या आप उनको भी सोशोलॉजिस्ट बोलोगे तो यहाँ पे इस वर्ड की जरूरत पड़ती है जब हम सोसाइटी को साइंटिफिकली स्टडी करते हैं दैट किसी प्रोसीजर के थ्रू करेंगे कोई एक फ्रेमवर्क होगा एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे करेंगे उसको हम बोलेंगे सोशोलॉजी ठीक है साइंटिफिकली स्टडी करना आपकी सोसाइटी को तो आगे चलते हैं हमारा पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है सोसाइटी कम्युनिटी कम्युनिटी एंड एसोसिएशन इस वीडियो में हम दो चीजें डिस्कस करेंगे सोसाइटी क्या होता है एंड आपका कम्युनिटी क्या होता है ठीक है और नेक्स्ट वीडियो में फिर एसोसिएशन एंड आगे के जो हमारे टॉपिक्स होंगे सोसाइटी क्या होता है सोसाइटी आप बोलोगे ये एक इसको बोल सकते हो ये एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट है 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 ठीक इसीलिए एब्स्रैक्ट सोसाइटी काफी हम एक वाइडर चीज़ से रिलेट करते हैं ना सोसाइटी काफ़ी बड़ी होती है छोटी सोसाइटी नहीं होती है सोसाइटी में जरूरी नहीं लोग जो है वो फेस टू फेस इंटरैक्ट करें ऐसा जरूरी नहीं है तो एक लूज एक एब्स्ट्रैक्ट टर्म यूज करते हैं हम सोसाइटी के लिए एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है सोशस विच मीन कंपेनियनशिप और फ्रेंडशिप ठीक है मैन नीड्स अब सोसाइटी की जरूरत इंसान को क्यों पड़ती है लिविंग के लिए वर्किंग के लिए एंजॉयिंग लाइफ के लिए आप एक सोसाइटी का पार्ट हो आप यहाँ पे रहते हो आपको रहने के लिए सोसाइटी की जरूरत है काम करने के लिए जरूरत है ठीक है और एंटरटेनमेंट के लिए लाइफ को एंजॉय करने के लिए सोसाइटी के हैज बिकम एन एसेंशियल कंडीशन फॉर ह्यूमन लाइफ टू अराइज एंड टू कंटिन्यू ह्यूमन लाइफ जो है एंड सोसाइटी दे ऑलवेज गो टुगेदर सोसाइटी के बगैर आप ऐसे रह नहीं सकते ठीक है ह्यूमन लाइफ की जहां बात आती है वहां पे सोसाइटी भी साथ में चलता है फाइन तो ये हो गया पहले बेसिक सोसाइटी uh, का होता क्या है एक वाइडर टर्म आप यूज करते हो वाइडर एक्सप्रेशन है एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है फाइन सोसाइटी आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी इससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा सारे कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू सोसाइटी सोसाइटी कंसिस्ट्स ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल तो सोसाइटी बनाता कौन है लोग इंडिविजुअल्स ठीक है हम सोसाइटी में रहते हैं इंडिविजुअल्स तो ही सोसाइटी बनती है खाली सोसाइटी तो नहीं एग्जिस्ट करेगी ना लोगों के बगैर तो सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ पीपल्स म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है सोसाइटी में अब सोसाइटी में सारे रहेंगे तो हर कोई मुंह साइड में करके तो नहीं रहता है ना लोग सोसाइटी में इंटरेक्ट करते हैं वो रह रहे हैं सोसाइटी में वो सोसाइटी में उनकी लिविंग चलती है उनकी वर्किंग चलती है दैट मीन्स इंटरेक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है सोसाइटी का एंड म्यूचुअल अवेयरनेस देखो आपको सोसाइटी सिखाती है हाउ टू बिहेव फाइन आप म्यूचुअली अवेयर होते हो आपको पता है कि आप अवेयर हो कि आपको सोसाइटी में कैसे रहना है एंड जो सोसाइटी के बाकी मेंबर्स हैं वो भी अवेयर हैं कि आपका कंडक्ट सही है कि नहीं इस चीज को लेके और वो अवेयर है अपने चीज को लेके क्या वो सही से बिहेव कर रहे हैं कि नहीं तो म्यूचुअल अवेयरनेस होती है अगर आप अवेयर हो अपने कंडक्ट को लेके बाकी भी अवेयर होंगे आपके कंडक्ट और अपने कंडक्ट को लेके फॉर एग्जाम्पल हम सारे सोसाइटी का पार्ट हैं ठीक है थीके? अब सोसाइटी में ही इंस्टीट्यूशन आ जाता है टीचिंग वगैरह भी आप अवेयर हो अभी कि मुझे कैसे बिहेव करना चाहिए इस वीडियो में आपको पढ़ाने के लिए मैं यहाँ आके अपने कोई पर्सनल

सोसाइटी डिपेंड्स ऑन बोथ लाइकनेस एंड डिफरेंसेस देखो सोसाइटी में आपको लाइकनेस भी मिलेगी डिफरेंसेस भी मिलेंगी लाइकनेस कैसे मिलती है कॉमन आइडियाज यूजुअली होते हैं लोगों के जो सोम सेम सोसाइटी से बिलोंग करते हैं कॉमन व्यू पॉइंट्स होते हैं उनके ठीक है मोस्टली कॉमन करियर भी लोग चूज करना शुरू कर देते हैं आज देखो जैसे सुपरवाइजर की पोस्ट निकली है कितनी पोस्ट होंगी इसकी मुझे पता नहीं है कि चलो अज्यूम करते हैं फाइव हंड्रेड पोस्ट हैं इसके लिए कम से कम बीस तीस हजार लोग अप्लाई करेंगे कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस में लाइकनेस है कि एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए स्टेबिलिटी के लिए ठीक है तो वहां पे आप देख सकते हो सोसाइटी में लाइकनेस भी होती है डिफरेंसेस भी होती है क्योंकि हमारी सोसाइटी में कास्ट के बेसिस पे हम डिफरेंट है बायोलॉजिकली हम डिफरेंट है रेशियली भी हो सकता है कोई लोग डिफरेंट हो ठीक है तो सोसाइटी में आपको डिफरेंसिस और करियर पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएटिविटी से भी डिफरेंट हो सारे तो आप गवर्नमेंट जॉब पे नहीं जाते ना क्रिएटिव लोग भी हैं कोई उनका कोई क्रिएटिव एस्पेक्ट होता है ऑन्ट्रप्रेनियर्स भी हैं जो बिजनेस वाली चीजों में जाते हैं तो सोसाइटी में आपको लाइकनेस एंड डिफरेंसेस दोनों चीजें देखने को मिलेंगी कॉपरेशन एंड डिविजन ऑफ लेबर कॉपरेशन ही नो सोसाइटी में कॉपरेशन काफी इंपॉर्टेंट है कॉपरेशन के बगैर आप एग्जिस्ट आप रह नहीं सकते हो सोसाइटी में अब देखो वो आपको कॉपरेशन corporation... आप पहले यहाँ थोड़ा इरेज कर देते दे। वो कॉपरेशन आपको किस चीज में देखने को मिलती है सिंपल सी एग्जाम्पल है आपके घर में चीनी खत्म हो जाती है आप नेबर के घर जाते हो कि मुझे चीनी दे दो तो वो एक बिल्कुल माइक्रो लेवल का मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ है ना एक नेबरहुड नहीं चल सकता कॉपरेशन के बगैर तो इतनी बड़ी सोसाइटी कैसे चलेगी कॉपरेशन के बगैर आपको सोसाइटी में भी कॉपरेशन की जरूरत पड़ेगी तो वो आज वहां आ जाता है आपका कॉपरेशन वाला पार्ट ठीक है एंड डिविजन ऑफ लेबर डिविजन ऑफ लेबर देखो होता क्या है एक्चुअली ये इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आता है इकोनॉमी में हम बोलते हैं अगर एक काम गोल आपका एक होगा लेकिन उसको आप अलग लोगों में डिवाइड कर देते हो करने के लिए फाइनली आप वहीं पे रीच करते हो फॉर एग्जांपल हमें पता है जहाँ पे मोबाइल फोन जिन फैक्ट्रीज में बनता है ये आपका जो मोबाइल फोन आपके हाथ में है ऐसा नहीं है एक फैक्ट्री में मशीन में हमने कुछ इनपुट किया और वहां से मोबाइल फोन निकला नहीं उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं कहीं पे आपका सॉफ्टवेयर बन रहा होता है कहीं पे आपका स्क्रीन बनता है कहीं पे आपका मोबाइल की बैटरीज बन रही होती हैं, कहीं पे अंदर आपका वो बोर्ड तैयार हो रहा होता है जिसमें आईसी चिप्स वगैरह लगी होती हैं, ठीक है ठीके? कहीं पे आपका चार्जर तैयार हो रहा होगा तो बेसिकली ये क्या हो रहा है एक काम को आप अलग एक कॉम्प्लेक्स टास्क को आप मोबाइल एक तो कॉम्प्लेक्स डिवाइस बनाना ही है इजी तो नहीं है उसको आप अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो उस काम को अलग यूनिट्स में डिवाइड कर देते हो और फाइनली आपको एक गोल अपना अचीव होता है दैट मीन्स आपको एक मोबाइल फोन चाहिए उसको हम डिवीजन ऑफ लेबर बोलते हैं तो सोसाइटी में भी डिवीजन ऑफ लेबर होता है फैमिली से बात करते हैं फैमिली में डिवीजन ऑफ लेबर है आपको पता है फादर का कोई रोल है फादर का कोई काम है जो फादर ही करते हैं मदर का कोई रोल है जो मदर ही करेंगी ठीक है जब आप स्कूल से आते हो या कॉलेज से आते हो आप जाके अपनी मम्मा को बोलते हैं ना चाय तो पापा को नहीं बोलते हो इसको हम सेक्सुअल डिविजन ऑफ लेबर बोलते हैं जो मदर और फादर या मेल और फीमेल में डिवाइडेड होता है घर में वैसे सोसाइटी पे पे आप बड़े लेवल पे देखो कोई काम कोई कर रहा है कोई काम कोई कर रहा है आपको हर काम के लिए एक डिपार्टमेंट अलग अलॉट किया गया है सोसाइटी में आपका लॉ एंड ऑर्डर के लिए आपका पुलिस डिपार्टमेंट है ठीक है फिर आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपका पी डी डिपार्टमेंट है फाइन वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट अलग है तो सोसाइटी एक डिविजन ऑफ लेबर पे चलती है जहां काम डिवाइड हो रहे हैं वहीं पे कॉपरेशन भी है ठीक है एक ही डिपार्टमेंट के अंदर जो पुलिस है फॉर एग्जाम्पल पुलिस आपका लॉ एंड ऑर्डर देख रही है ये कहीं ना कहीं डिपेंड करती है लोगों पे क्योंकि इसको विटनेस चाहिए होते हैं अपने काम पूरा करने के लिए फाइन तो इसमें भी क्या है एक कॉपरेटिव एस्पेक्ट भी आ गया और सोसाइटी में एक डिविजन ऑफ लेबर वाला आस्पेक्ट भी आ गया तो ये दोनों चीजें जो है वो सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है इंटरडिपेंडेंस है वही जो हमने बात की म्यूचुअल इंटरेक्शन जहाँ होगी म्यूचुअल अवेयरनेस होगी कॉपरेशन होगी वहाँ इंटरडिपेंडेंस होगी दैट मींस हर कोई दूसरे पे डिपेंड करेगा ऐसा नहीं है मैं बोलूंगा सोसाइटी में मैं इंडिपेंडेंट हूँ मुझे किसी की जरूरत नहीं है अगर आज आप सुपरवाइजर का एग्जाम दे रहे हो आप ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब ही ये है कि आप डिपेंड हो किसी और पे जो आपको पढ़ाए सिलेबस ठीक है syllabus, या मैं अगर मुझे सिलेबस के बारे में पता है मैं आपको पढ़ा सकती हूँ मैं स्टूडेंट्स ढूंढ रही हूँ जिनको मैं पढ़ा सकूँ तो ये इंटरडिपेंडेंस हुई मैं आप पे डिपेंड करती हूँ आप मेरे पे डिपेंड करते हो सोसाइटी डायनेमिक है क्या हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे जो सोसाइटी थी ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे जो सोसाइटी थी अभी भी वही सोसाइटी चल रही है नहीं वो सोसाइटी काफी अलग होगी दैट मीन सोसाइटी चेंज हो रही है पहले गर्ल्स के लिए इतनी पोस्ट हो सकता है नहीं निकलती होती लड़कियों के लिए कॉमन नहीं होता इतना पढ़ना पढ़ाना लेकिन आज की सोसाइटी में इस चीज को ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी है अब देखो एक पोस्ट लेके एक एक्सेप्टेबिलिटी सुपरवाइजर एक पोस्ट आई है जो जो आई थिंक सिर्फ फीमेल्स अप्लाई कर सकती है ना इसमें तो जो एक जेंडर बेस्ड है तो आप देखो कहाँ से हमारी सोसाइटी कहाँ पहुंच रही है पहले जहां लड़कियों को काम पढ़ने देना ही बहुत बड़ी बात थी आज उनके लिए स्पेसिफिक रोल्स आ रहे हैं कि हाँ इस डिपार्टमेंट में हमें सिर्फ फीमेल्स चाहिए तो आप आओ और अप्लाई करो ठीक है सोशल कंट्रोल अब देखो सोसाइटी आपको कंट्रोल करती है किन तरीक़ों से कोई ट्रेडिशंस बने हैं सोसाइटी के कोई नॉर्म्स बने हैं सोसाइटी के आप उसके अगें अगर हम कश्मीरी सोसाइटी की बात करें हमारे अपने नॉर्म्स या सोसाइटी के हमें पता है कि नहीं कश्मीरी सोसाइटी में ये नहीं चल सकता या कश्मीरी सोसाइटी में ये तो यूजली रोज की बातें हैं जो आप सुनते होंगे कि हमारी सोसाइटी में ऐसा नहीं होता है हमारी सोसाइटी में वैसा नहीं होता है तो वो ऐसा वैसा क्यों नहीं होता है क्योंकि सोसाइटी ने कुछ आप पे रेगुलेशन लगाई हैं कोई नॉर्म्स होते हैं कोई वैल्यूज होते हैं जो सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करती है जो सोसाइटी ने आप पुट किए होते हैं और अगर आप वो फॉलो नहीं करोगे तो आपको सोसाइटी आउटकास्ट भी कर सकती है आपसे आपको बॉयकॉट भी कर सकती है सोसाइटी की नहीं ये लड़की तो ऐसी है ऐसा बात नहीं करना ये होता है बॉयकॉउट करना कि या ये लड़का तो ऐसा ही है जैसे ड्रग एडिक्ट होते हैं ड्रग्स को दो के कश्मीर में काफी ज्यादा स्प्रेड हो रहा है लेकिन ड्रग्स को यूजअली क्या किया जाता है लुकडाउन किया जाता है ड्रग्स को ठीक है ये अच्छी चीज नहीं है ड्रग मैनेज जो भी कश्मीर में फैल रहा है तो वो किस वजह से अब जो ड्रग एडिक्ट है उनको आप बॉइकआउट करते हो दैट मीन सोसाइटी से आपको पनिशमेंट भी मिल रही है कंट्रोल के साथ ये इनफॉर्मल लेवल पे आपको कंट्रोल कर रही है सोसाइटी एंड सोशल कंट्रोल आपको फॉर्मल लेवल पे भी होता है सोसाइटी के थ्रू जैसे आपके लॉज बनते हैं रेगुलेशंस बनते हैं जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाए हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए जो फॉर्मल लॉज हैं ठीक है थीके? जिनको लेके आप कोर्ट जा सकते हो फाइन तो वो आपके फॉर्मली आपको कैसे सोशल कंट्रोल किया जाता है सोसाइटी में कल्चर होता है ये चीज़ हमें पता है ठीक है हम कैसे बिहेव करते हैं वो हमारा कल्चर है हम बोलते हैं कश्मीरी कल्चर में ऐसा नहीं होता या हमारा क्यूजींस हमारा फूड का एक कल्चर है फाइन वाजवान वो भी हमारे कल्चर में आता है तो हर सोसाइटी में कोई एक कल्चर होगा ग्रिगेरियस इंस्टिंक्ट ये बेसिकली होता है ये बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट होता है

ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी आए या देखो और कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में चार चीजें लिखी होंगी कि सोसाइटी में क्या चीज होती है क्या नहीं होती है या इन चार में आइडेंटिफाई करो सोसाइटी में क्या होता है फाइन तो ये था आपका सोसाइटी का पार्ट नेक्स्ट हम चलते हैं कम्युनिटी की तरफ देखो कम्युनिटी होता है ये सोसाइटी अगर ये है तो कम्युनिटी ये है ये एक क्लोज नेट आप बोल सकते हो या लोकलाइज्ड जोग्राफिकल लोकेलिटी से आप रिलेट करते हो कम चीजें इसका छोटा साइज होता है कम्युनिटी का फाइन इसका एक पर्टिकुलर नेम होता है एक बड़ी सोसाइटी में एक छोटी कम्युनिटी रह सकती है इनके अंदर वो ब्रदरहुड वाली फीलिंग ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू सोसाइटी क्योंकि सोसाइटी में आपको कॉन्फ्लिक्ट भी मिलेंगे तो इसको इनके अंदर वो सेंटिमेंट्स होते हैं अगर सोसाइटी आपको वी या आई सिखाता है कम्युनिटी आपको अस सिखाएगी हम तो इनके अंदर वो सेंटिमेंटल वाली फीलिंग जो होती है कम्युनिटी में वो ज्यादा होती है मैन के नॉट लिव इन आइसोलेशन ही के नॉट लिव अलोन ठीक है ही कीप्स कॉन्टैक्ट विद फेलो बींग उस अपने सर्वाइवल के लिए लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि वो हर किसी के साथ कॉन्टैक्ट रखे दुनिया के इतने ज्यादा ग्रुप्स हैं वो हर किसी के साथ एक ही टाइम पे कैसे कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रख सकता है तो वो क्या करता है वो कुछ लोगों के साथ कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करने की कोशिश करता है वो लोग जो उसके प्रॉक्सिमिटी में होते हैं मतलब उसके क्लोज जो होते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में वो हर किसी के साथ तो कांटेक्ट नहीं रख सकता ना लेकिन कांटेक्ट रखना उसका बेसिक है उसके लिए ज़रूरी है फॉर इस सर्वाइवल क्योंकि आइसोलेशन में नहीं रह सक रह सकता अब बजाय इसके कि वो ढूंढे वो पूरी दुनिया के साथ कैसे एक टाइम पर कॉन्टैक्ट रखे वो क्या करता है जो लोग उसके आस रहते हैं उसकी लोकेलिटी वाले लोग वो उनके साथ कॉन्टैक्ट मेंटेन करने की कोशिश करते हैं और वो आपकी बनती है कम्युनिटी इट इज़ नेचुरल फॉर पीपल लिविंग ए पर्टिकुलर लोकलिटी

दे ऑल्सो डेवलप अस ऑफ बिलोंगिंग टूगेदर अस ऑफ वी फीलिंग तो वी फीलिंग काफी एक इंपॉर्टेंट की वर्ड है एग्जाम में अगर वी फीलिंग आ जाए तो इसको आप हमेशा किसके साथ रिलेट करोगे कम्युनिटी के साथ एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी लिविंग इंक्लूडिंग अ विलेज ट्राइब सिटी और टाउन फॉर एग्जाम्पल एक विलेज कम्युनिटी में ऑल द टू लैंड ईच अदर हैंड इन द इवेंट ऑफ नीड इन एग्रीकल्चर एंड अदर ऑक्युपेशन ठीक है मतलब आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं फॉर एग्जाम्पल एक विलेज कम्युनिटी जो वर्ड कम्युनिटी है डिराइव हुआ है दो लैटिन वर्ड से विच इज कॉम एंड म्यूनस कॉम मीन्स टूगेदर एंड म्यूनस मीन्स टू सर्व कॉम मीन्स टूगेदर तो कम्युनिटी को वैसे करके टू सर्व टूगेदर भी बोल सकते हो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स देखते हैं लोकैलिटी मैंने कहा एक जोग्राफिकल लोकेलिटी होना कम्युनिटी के लिए जरूरी है कॉमन सेंटिमेंट होता है उनका वी फीलिंग वाला कि टू बेसिक फीचर्स जो है कम्युनिटी uh, के मोस्ट इंपॉर्टेंट ठीक है ये इंपॉर्टेंट बेसिक फीचर्स है फिर कुछ अदर एलिमेंट्स भी हैं ग्रुप ऑफ पीपल ऑब्वियसली आपको ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए साथ में रहने के लिए तभी कम्युनिटी आएगी नेचुरलिटी दैट मीनस ये स्पॉन्टेनियस होते हैं कोई प्लान नहीं होता है फॉर एग्जाम्पल ऐसा नहीं है कि पहले कोई बैठेंगे एक ग्रुप बैठेगा फिर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा ठीक है वो एसोसिएशन में होता है कि आप ऐसे फॉर्म करोगे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत आपने एक फुटबॉल एसोसिएशन बनाई फॉर एग्जाम्पल वो कम्युनिटी में नहीं होता है आप लोग साथ में रह रहे हैं ओवर द टाइम काफ़ी सालों से साथ रह रहे हैं एक लाइकनेस डेवलप हो जाती है सिमिलैरिटी डेवलप हो जाती है वो वी फीलिंग जनरेट होती है और वो आपकी कम्युनिटी बनती है परमानेंस से काफ़ी सालों से ऐसा नहीं शॉर्ट लिव नहीं होती आज है कल नहीं है काफ़ी सालों से ये आई से ग्रेजुअली डेवलप होती है लाइकनेस होती है इनके बीच में एक पर्टिकुलर नेम है फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कश्मीरी कम्युनिटी या कश्मीरी पंडित्स की कम्युनिटी कॉमन तरीके से अपनी लाइफ वो जीना चाहते हैं अगेन क्योंकि इतनी ज़्यादा उनमें क्लोजनेस ब्रदरहुड और री होती है उनकी लाइफ कॉमन आइडियाज़ वो सारी चीज़ें कॉमन कस्टम्स ट्रेडिशन होते हैं एक साइज uh, के बेसिस पे भी आप इसको इसके फीचर्स बोल सकते हो एक बड़ी कम्युनिटी भी हो सकती है बिग कम्युनिटी फॉर एग्जाम्पल आपका जो डिस्ट्रिक्ट आप इन लो वो एक बड़ी कम्युनिटी होगी उसके अंदर छोटा टाउन है एक ट्राइब है छोटा विलेज है वो आपकी स्मॉलर कम्युनिटीज होगी रेगुलेशन ऑफ रिलेशन ये भी आपको रेगुलेट करते हैं कम्युनिटी के भी अपने ट्रेडिशन होते हैं जिसके अकॉर्डिंग आपको चलना होता है अदरवाइज आपको क्या मिलेगा आपको कम्युनिटी पनिश कर सकती है वही बॉयकॉट वगैरह करके फाइन तो कोई आप रेगुलेशन भी काफी जरूरी है तभी चीजें सर्वाइव करेंगी आपको रेगुलेट करेंगे आपको कम्युनिटी के अकॉर्डिंग चलना होता है ये हो गया कम्युनिटी अब इसका हम थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं सोसाइटी एंड कम्युनिटी का इसको बोला जाता है वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स ये मैकाइवर ने कहा था अगर आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो कम्युनिटी कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल लिविंग इन ए पर्टिकुलर एरिया विद सम डिग्री ऑफ वी फीलिंग वो कम्युनिटी को आप ऐसे डिफाइन करते हो एक डेफिनेट जोग्राफिक एरिया है इज नॉट तो एन एसेंशियल आस्पेक्ट ऑफ कम्युनिटी जोग्राफिकल लुक एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक जोग्राफिकल लोकैलिटी किसके लिए जरूरत है कम्युनिटी के लिए या एसोसिएशन के लिए इंस्टीट्यूशन के लिए तो आपको पता होना चाहिए जोग्राफिकल लोकेलिटी कम्युनिटी के लिए जरूरत होती है कम्युनिटी ऑलवेज डिनोट्स डेफिनेट और जोग्राफिक एरिया सोसाइटी एब्स्ट्रैक्ट है मैंने स्टार्टिंग में कहा कम्युनिटी कंक्रीट है क्योंकि क्लोजनेट होती है छोटी होती है फेस टू फेस इंटरेक्शन इसमें चलते हैं ठीक है कम्युनिटी सेंटिमेंट और ए सेंस ऑफ वी फीलिंग मे बी प्रेजेंट और मे नॉट बी प्रेजेंट क्योंकि सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं लेकिन वी फीलिंग और कम्युनिटी सेंटिमेंट जो है वो एसेंशियल एलिमेंट है कम्युनिटी का सोसाइटी एक वाइडर पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं वाइडर कॉन्सेप्ट है और कम्युनिटी स्मॉलर देन सोसाइटी ऑब्जेक्टिव एंड इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी आर मोर एक्सटेंसिव एंड वैर क्योंकि बड़ी सोसाइटी है तो इंटरेस्ट भी अलग होंगे गोल भी अलग होंगे इसमें दे आर देर कम्पेर लेस एक्सटेंसिव एंड वैर ठीक है वो उतने ज्यादा डिफरेंट नहीं होते हैं सोसाइटी इन्वॉल्व बोथ इसमें लाइकनेस भी होगी डिफरेंस भी ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया लाइकनेस जो है वो इंपॉर्टेंट है देन डिफरेंस इन कम्युनिटी देर इज अ ग्रेटर अग्रीमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ मेंबर्स तो लाइकनेस इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है इसमें लाइकनेस और डिफरेंस सोसाइटी में आपको बहुत मिल दो मिलेंगे लेकिन कम्युनिटी में आप क्या देखते हो लाइकनेस तो लेट्स एंड दिस लेक्चर हेयर अगर आपको पसंद है डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एसोसिएशन जो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे सो बाय बाय टेक केयर हैव अ ग्रेट डे